इंडिया ने तीसरे ओडीआई में साउथ अफ्रीका को हराया और रच दिया है इतिहास। महाराज साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर और केएल राहुल के बीच हुई कुछ बातचीत जिससे सभी खुश हुए और गौतम गंभीर ने संजू सैमसन पर ऐसी बात बोली सभी हैरान रह गए। दोस्तों क्या है पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काउंट डाउन। नंबर 7, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच कल तीसरा ओडीआई खेला गया जिसमें भारत ने 78 रन से मुकाबला जीता। दरअसल साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया जो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। इंडिया की तरफ से ओपनर्स ने कुछ स्टार्ट नहीं दिया लेकिन वन डाउन पर जब संजू सैमसन आए तो मारी ऐसी शानदार शतक जिसे मैच में जान आ गई और तिलक वर्मा ने भी अच्छा साथ दिया। 52 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। रिंकू सिंह हर मैच की तरह आखिर में आते हैं और कमाल करके चले जाते हैं। 27 गेंदों का सामना किया और 38 रन बनाए रिंकू सिंह ने। इसी के साथ इंडिया ने 50 ओवर में 296 रन बनाए जिसमें साउथ अफ्रीका के बॉलर हेंड्रिक्स ने 3 विकेट चटकाए और इस लक्ष्य का पीछा करने आए साउथ अफ्रीका के ओपनर जिसमें हेंड्रिक्स ने 81 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और उस टाइम लग रहा था इंडिया ये मैच आने वाला है पर इंडिया के बॉलर्स ने दूसरे बंदों को टारगेट में लेकर रखा था और दूसरे बैट्समैनों को आउट कर देंगे। उसके बाद एडम मार्करम आए जिसने 36 रन बनाए 41 गेंदों में। बाकी किसी ने कोई खास काम नहीं किया साउथ अफ्रीका की साइड से और इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 218 रन पर ऑल आउट कर दिया और इसी के साथ ये मुकाबला इंडिया ने अपने नाम किया और इसी के साथ ओडीआई सीरीज भी अपने नाम की। इंडिया के गेंदबाजों ने बहुत ही हिम्मत दिखाई जिसमें अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट चटकाई, अविश खान ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट चटकाई। इसी तरह से केएल राहुल इंडिया का दूसरा कप्तान बन गया विराट कोहली के बाद जिसने साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज में हराया। नंबर 6, साई सुदर्शन ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के ओडीआई सीरीज में बेहतरीन फील्डिंग की जिसे साई सुदर्शन को इंपैक्ट फील्डर मेडल मिला। नंबर 5, गौतम गंभीर ने संजू सैमसन की सेंचुरी देखकर बयान दिया कि संजू सैमसन की ये शानदार सेंचुरी संजू सैमसन का करियर बना सकती है। स्लेटर्स भी इस प्लेयर को हमेशा याद रखेंगे और आगे भी चांस देते रहेंगे। नंबर 4, सबसे बड़ी खबर और शॉकिंग न्यूज केन विलियमसन के फैंस के लिए। केन विलियमसन को न्यूजीलैंड टीम ने T20 आई स्क्वाड से आज रिलीज कर दिया, अब वो T20 आई नहीं खेले। नंबर 3, सुनील गावस्कर ने संजू सैमसन की सेंचुरी को लेकर बयान दिया कि हमेशा से ये बंदा हमारी नजरों में था, आज इसने 108 रन बनाए हैं, हम इसका टैलेंट अच्छे तरीके से जानते हैं और पिछले 16 ओडीआई में संजू सैमसन ने 510 रन बनाए हैं। नंबर 2, साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर महाराज ने केएल राहुल को बोला जब भी आप खेलने आते हो तो डीजे पर राम सिया राम क्यों चलाया जाता है और केएल राहुल ने भी सिंपल जवाब दिया मुझे नहीं पता हाँ चलता है, लेकिन उस टाइम केएल राहुल का रिएक्शन देखने लायक। नंबर 1, ICC ने उस्मान ख्वाजा के ऊपर फाइन लगाया जब उस्मान ख्वाजा ने ब्लैक आर्म बैंड पहना अपने लेफ्ट बाजू पर पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में, जब उस्मान ख्वाजा को ICC ने बैन किया शूज लगाने से जिस पर लिखा था ऑल न्यूज आर इक्वल। दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स न्यूज रोज देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें।